नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मांझा की मेकिंग। तो दोस्तों शायद ही आपने ऐसा कभी बनते हुए देखा होगा, अगर देखा भी होगा तो वीडियो में बने रहे क्योंकि ये मेकिंग देखने के बाद आपको सच में बहुत मजा आ जाने वाला है। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे जो पाइप है, अब उसकी मदद से जो एक धागा देख सकते हो, जो ये रोल देख सकते हो, सिंपल एक धागा है कुछ इसी हिसाब का, देखिए सिंपल एक धागा है, इसी को ही सेट किया जाता है, प्रॉपर एक साइज में लिया जाता है जो कि 5000 वार तक होता है। फिर इसे कलर दिया जाता है, सुखाया जाता है, जो कि कलर देख सकते हो टब में दिया जाता है, फिर यहाँ पे सुखाया जाता है, फिर यहाँ से कांच दिया जाता है, फिर खिड़की में इसे फिल किया जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस हिसाब से भैया जो है साइज लेते हैं इस धागे का। तो देखिए जो पाइप है उसे अच्छी तरीके से पहले यहाँ पे फिक्स किया जाएगा। अच्छा तो देखिए अभी जो पाइप में है वो भी तेल दिया जा रहा है इसके बीच में, तेल ही है ना भैया वैसा? रीजन क्या रहता है तेल देने का? तेल चिकना, चिकनावट रहा है इस वजह से, है ना? तो देखिए जो पाइप है उसमें अच्छी तरीके से पहले तो रोल करके अपनी जो धागा है वो लटका दिया और यहाँ से कुछ साइज लिए और देखिए इसे खींच के वहाँ 22 मीटर तक लास्ट तक लिया जाएगा, फिर वहाँ भी इसे सेट किया जाएगा अच्छी तरीके से। वापस से उसी साइड से चल के यहाँ पे आएंगे, फिर ऐसे ही कुछ रोल टाइप बनाएंगे जब तक ये 5000 तक ना हो जाए वार, तब तक ऐसे ही कुछ प्रोसेस चलता रहेगा। यानी टोटल चल समझ लो आप 20-25 के ऊपर तो इनका चलना हो ही जाता है, ऐसे आते हैं और फिर वापस से जाते हैं। भैया हैं वहाँ से घूम के अटका के पाइप में अच्छे तरीके से यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये देखिए इसे अच्छी तरीके से यहाँ पे पहले फिक्स किया जाएगा। फिर वापस से देखिए देखिए 3 बार इसे लपेट लिए, अब इसे खींचा जाएगा लास्ट तक। देखिए जो फाइनल राउंड था, जो एक पूरा रोल था वो कंप्लीट हो गया, जो ये टोटल 5000 वार का ये टोटल अपना जो धागा है वो तैयार किया गया है और यहाँ इसे फंसा दिया गया है। तो देख सकते हो अभी जो है इसमें चावल लगा रहे हैं ताकि जो ये अच्छे तरीके से चिपक जाए। तो देखिए पहले जो अपनी धागा थी उसको तो कलर कर लिया गया है और यहाँ पे देख सकते हो जो कि प्रॉपर एक साइज लिया जाता है, पहले तो ऐसे कुछ साइज लिया जाता है जो अपना जो धागे का बंडल होता है, फिर उसके बाद देखिए इसे कलर किया जाता है। तो ये लिक्विड में डाल के कितने मिनट तक वैसे कलर किया जाता है भैया? 2 मिनट। अच्छा 2 मिनट तक ऐसे ही टब में डाले रहते हैं और ऐसा कुछ कलर कर लेते हैं। तो देखिए अब निचोड़ा जा रहा है, फिर इसे धागे के साइज में मतलब मांझे के टाइप में बनाया जाता है, कांच डाला जाता है, जो अपनी धागा है उससे जितना भी कलर वाला पानी है वो निचोड़ा जा रहा है। तो मेहनत देख सकते हो आप किस हिसाब का मेहनत है ये सब बनाने में। तो भैया वैसे आपका काम सिर्फ यही है ना, धागा कलर करते हो, रखते हो सुखाने के लिए? वैसे ऐसे सब में तो कांच नहीं है भैया, तो इसमें उंगली कटने का डर रहता है? नहीं रहता ना, तो जिसमें कांच रहता है उसी में उंगली कटने का डर रहता है। हाँ जो यहाँ जो भैया कह रहे हैं यहाँ जो धागा है इसमें जब मतलब कांच डाली जाती है एक एक करके तभी थोड़ा उंगली कटने का डर रहता है। तो देखिए जो धागा को कलर किया गया था उससे अच्छी तरीके से यहाँ से देखो कुछ खोल खोल के इसे लिया जा रहा है और आप देख सकते हो ये कहीं से भी है ना आपस में छेद नहीं रहा होगा, इनको पता ही रहता है कि क्या प्रॉब्लम होगा क्या नहीं। देखो जो छेंदा हुआ कुछ था वो निकल गया यहाँ से, यानी जो आपस में जो लिपट जाते हैं देख सकते हो इनको पता ही चल जाता है क्या दिक्कत है। बाकी अपने तो पूरा दिन निकल जाएगा इसको ठीक करने में मगर होता ही नहीं है, मगर इनका देख सकते हो आप एक्सपीरियंस। वैसे कितने साल से यहाँ पे हो रहा है भैया ये धागा बनाना? ये तो हमें हो गए 6 साल। अच्छा आपको 6 साल हो गए और जो भैया कर रहे थे वो 15 साल से है ना? अच्छा तो वो 15 साल से इस हिसाब से कुछ रेगुलर करते हैं। 2 महीने तक चलता है ये धागा बनाने का और 2 महीने मतलब मकर संक्रांति आने के बाद फिर बंद हो जाता है, 14 तारीख के बाद से ये बंद हो जाता है बनना। देखिए अब इसको इस एंड में जो आप ये लकड़ी देख रहे हो इस एंड में इसे लिया जाएगा और यहाँ पे जो पाइप डाली गई है कुछ इसी के हेल्प से इसे लगाया जाएगा और यहाँ पे सुखाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से सेट किया जाएगा पहले तो। तो दोस्तों देखिए धागा को अच्छी तरीके से यहाँ पे खींचा जा रहा है और भैया ने अपना पूरा ही बल इसमें ही डाल दिया है और इसे अच्छी तरीके से यहाँ पे मतलब लगा दिया है। तो देखिए तो धागे को अभी अच्छी तरीके से अभी खींचा जा रहा है ताकि जो ही आपस में चिपके ना, जो कि आप देख रहे थे जो बीच बीच में छेद रहा था यानी अटक रहा था तो वो अटके ना।
जो धागा है उसे अच्छी तरीके से देख सकते हो, सफाई किया जाएगा, जो कलर है वो भी सूख जाएगा और जो धागा है वो अच्छी तरीके से अपना रंग पकड़ ले। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो अपनी मांझा के लिए जो मसाला है वो तैयार किया जा रहा है, जो अंकल जी है वो मांझा के लिए जो मसाला है वो तैयार कर रहे हैं। वैसे किस किस चीज से तैयार होता है अंकल जी अपना ये? काट होता है, इसमें साबुन होता है, सुहागा होता है। अच्छा, काट, साबुन और सुहागा, सुहागा सब गोल। अच्छा अच्छा, तो इन सभी चीज को मिक्स करके फिर इसे बनाया जाता है ना। तो ये कांच टाइप का, मतलब जो आप धागे में देखते हो तो कांच, जैसे कि ये धागा है इसमें कांच देने का ये मसाला ही काम करते हैं। और यहाँ पे देखते हो जितना भी चीज डाले हुए हैं सभी को इसी हिसाब से कलेक्ट करके फिर कुछ ऐसा गूंद लिया जाता है और एक कांच टाइप प्रॉपर बनाया जाता है। और ये व्हाइट व्हाइट देख रहे हो यही प्रॉपर एक कांच है। तो अंकल जी वैसे ये खाली उंगली से कर रहे हो, कोई नुकसान ही तो नहीं रहता है ना? नहीं, नहीं है। अच्छा अच्छा, तो उंगली कटने का वैसे कोई नुकसान ही नहीं है। बाकी देख सकते हो जितने भी भैया सामने बैठे हैं वहाँ पीछे हैं, सभी लोग ने उंगली में जो है ग्लव्स पहन के रखे हैं अपने सेफ्टी के लिए, ताकि जो है उंगली कहीं से कटे ना। ये जो भैया है ये मसाला उठा लिए हैं और इस मसाले को अभी इस धागे में एक एक करके डाला जाएगा, यानी अच्छी तरीके से जो इस धागे को, अभी बिना कांच का धागा है, अभी इसे कांच दिया जाएगा। उसको देखिए जो धागा जो लिया गया था, जो मांझा अभी तैयार किया जाएगा, तो देखिए एक एक उंगली में एक एक धागा को अच्छी तरीके से यहाँ पर सेट किया जा रहा है। ये टोटल कितने मीटर तक का धागा होगा वैसे भैया? 5000। अच्छा, तो एक जो आप देख रहे हो एक पूरा लाइन 5000 मीटर तक का धागा है। तो मेहनत तो काफ़ी तगड़ा लग रहा है एक एक ही धागे को बनाने में, और पूरा रोल ही इसमें यूज़ कर दिया जाता है। और रोल देख सकते हो क्योंकि खाली एक रोल यहाँ पे पड़ा हुआ है, वैसे कई सारे रोल है वहाँ पे भी पड़े हुए हैं। वैसे साइड साइड में इनका रोज का वैसे है 100-150 तक का रोज का फिरकी बना लेते हैं। और ये देख सकते हो एक एक धागे को यहाँ पे अच्छी तरीके से अपने उंगली में सेट कर रहे हैं। तो भैया इसमें उंगली कटने का डर रहता है? इतना आप कपड़ा वपड़ा रखे हो उंगली में तो डर रहता है या ऐसा कुछ नहीं होता? कपड़ा लपेटने कुछ नहीं होता। अच्छा, बिना कपड़ा करोगे तो सब कुछ हो जाएगा है ना? हाँ, बिना कपड़ा कर ही आएगा। तो बहुत खतरनाक चीज़ है दोस्तों। वैसे आपको लग रहा होगा ये क्या चीज़ है, मगर जिनको पता है वो कह सकते हैं कि ये बहुत कुछ कर सकता है ये धागा। देख सकते हो अभी अच्छी तरीके से इसे इस मसाले में फंसाया जाएगा। तो देखो मतलब कट टाइप कुछ की है, फिर उसे बीच में फंसा दिया। अब जो कांच वाला जो मसाला है वो कलर देने में भी काम आएगा और साथ साथ में जो कांच है वो भी देने में काम आएगा। और एक चीज़ आप देख सकते हो जो यहाँ कॉर्नर से है वहाँ पे कांच नहीं दिया गया है, वो कब दिया जाता है? जब अंकल देख सकते हो वो उसी चीज़ के लिए बैठे हुए हैं कि जब फिरकी में इसे भरा जाएगा तब वो भी यहाँ से कांच देंगे, और सामने जो एक भैया खड़े हुए हैं वो भी इसे कांच देंगे, और जो चरखे से अपने फिरकी में फील कर रहे हैं वो भी कांच देंगे। तो टोटल 5-6 बार तो ऐसे ही कांच देने में हो जाता है। आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे कांच दिया जा रहा है। तो काफ़ी तगड़ा मेहनत है इसी चीज़ को बनाने में। अब ये पूरा लाइन को देख सकते हो जो कि लास्ट तक इसे कांच दिया ही जाएगा। और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे धागा लेने मतलब मांझा लेने आते भी हो, अगर आप चाहते हो कि हमें लाइव में बनाना है, यानी लाइव ही देख के पूरा बनाना है कैसे बनाए, क्या कांच ज़्यादा दे कम दे, ऊपर नीचे थोड़ा कुछ करना हो, तो आप वैसा भी करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि भैया ने बनवा दिया तो वही आप ले जाओ। अगर आप अपने डिमांड से बोलोगे हमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए तो वो भी बनवा देते हैं ना भैया। तो जो कि लाइव भी आप बना सकते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ये देखिए देखिए यहाँ पर जो भैया है जो धागा सुखा रहे थे उनका सुखाने का काम हो गया, तो अब उसे नीचे के सपोर्ट में लगाया जा रहा है। और यहाँ पर भैया जो है अच्छे तरीके से इसे कांच दे रहे हैं। ये देखिए अब इसे इस सपोर्ट में लगाया जाएगा। तो ये देखिए क्या मतलब अच्छे तरीके से खींचा जा रहा है, जो कि एक आदमी का तो काम नहीं है, दो आदमी एक साथ खींचेंगे। तो ये देखिए ये अच्छे तरीके से लगा दिए। तो इसी हिसाब से कुछ सुखाया गया है, फिर इसे यहाँ पे लगाया गया है, यहाँ पे भी कुछ अच्छी तरीके से सुखाया जाएगा, फिर जाके जो है भैया जो कांच दे रहे हैं वो वापस से इस धागे को भी वही कांच देने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए एक एक करके इसे खींचा जा रहा है ताकि आपस में चिपके ना और कलर कहीं रहे ना जाए। देखिए और इस कॉर्नर में से जो नई कांच डाले हैं वो यहाँ से ही डाला जाता है, एक एक करके काढ़ा जाता है, निकाला जाता है, फिर इसमें कांच डाला जाता है। देखो सामने देखिए आप, सामने एक दंडी में एक पाइप डाली गई है और यहाँ से भैया एक कमांड कर रहे हैं और इससे भी डाल देंगे। लो, तो देखिए जितना बल है इसमें ही डाल दिए और इसे फिक्स कर दिए प्रॉपर तरीके से। और वहाँ पे भी जो आप देख रहे हो जो भैया खड़े हैं वो भी इसे प्रॉपर तरीके से फिक्स कर दिए।
सकते हैं कि खिड़की में इसे प्रॉपर तरीके से कलेक्ट किया जाता है। फिर से भैया कितने तक का रेंज है अपने पास खिड़की में? 150 रुपये। अच्छा, और हाईएस्ट प्राइस कहाँ तक जाता है? 350 रुपये। अच्छा, और 1200 तक भी जाता है? सीमा था हमने 5000 वार का 1100। अच्छा, 5000 वार का 1100 रुपया। अच्छा, तो इसी हिसाब से कुछ बना करके देख सकते हो आप, क्योंकि पहले से बना के रखे और ऐसा कुछ कलेक्ट करते। दिन में एक पर डे आप कितना बना लेते हो उनसे खिड़की अपना? 150 तक का एक दिन में होता है ना। और टाइमिंग क्या रहती है आपकी यहाँ? 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक। अच्छा, तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक। और जो जिस ब्रांड की जो रहती है फिरकी, उसका स्टिकर दिया जाता है फिरकी से, अच्छी तरीके से कलेक्ट किया जाता है अपने फिरकी में। और जैसे भैया ने बताया यहाँ पे रेंज आप देख सकते हो, क्योंकि 150 से लेकर 1200 तक की रेंज है और डेली 100-150 तक की फिरकी यहाँ पे बन जाती है। भैया एक बार इस जगह की एड्रेस बता देना क्या रहेगा? अच्छा भैया, निर्मला अपार्टमेंट के सामने, और राजकोट गुजरात। भैया राजकोट गुजरात में, और ये देख सकते हो क्योंकि जंक्शन प्लॉट वाली जो ये रोड आ रही है यहाँ पे ही ठीक भैया बैठते हैं। 2 महीने का काम रहता है इनका केवल, और फिर अगर आप मकर संक्रांति के बाद आओगे फिर भैया शायद आपको देखने को नहीं मिलेंगे, मगर हाँ इनका हर साल का काम है। 15 साल से इसी सब से रेगुलर बना रहे हैं। तो देख सकते हो खिड़की में अच्छी तरीके से कलेक्ट कर दिया, और ये अपना निर्मला अपार्टमेंट ठीक उसी के सामने भैया ऐसे ही कुछ बनाते हैं रेगुलर इसी हिसाब से, 100-150 तक का बना देते हैं। फिर देखिए ये जो आप फिरकी देख रहे होंगे, आपको लग रहा है कि पुराना लेते हैं, मगर देख सकते हो जिस ब्रांड का रहता है उसी ब्रांड की फिरकी लेते हैं, और नया ही रहता है फिरकी, कोई पुराना टाइप नहीं रहता है, क्योंकि नए में अपना जो धागा है वो कलेक्ट कर लिया जाता है। हाँ तो दोस्तों यही कुछ मेकिंग था। अगर आपको ये मेकिंग पसंद है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपने इस जगह पे विजिट नहीं किया, अगर मकर संक्रांति में धागा लेने का सोच रहे हो तो इस जगह पे जरूर से विजिट कीजिएगा। भैया जो है यहाँ पे आपको लाइव धागा भी बनवा कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि जो भैया ने धागा बनवा लिए वही देंगे। अगर आप चाहते हो कुछ ऊपर नीचे करवाना या कुछ और इसमें कांच डालवाना तो वैसा भी हो सकता है, मगर उसका थोड़ा रेट ऊपर नीचे भी जाता है। तो यही है कुछ मेकिंग, इनकी मेहनत भी आप देख सकते हो किस हिसाब से मेहनत है। अगर इधर उधर कहीं भी नज़र भटके तो समझ लो उंगली तो वैसे भी कटने वाला है, क्योंकि और प्रोटेक्शन भी रखते हैं साथ साथ में। टोटल मैं बता दूँ 5 बार या 4 बार इसमें कांच डाली जाती है, तो क्योंकि वो भी एक पावरफुल बनाने के लिए डाली जाती है। तो अगर भैया का आपको मेहनत अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक भी ऐसा कुछ वीडियो नहीं देखा था तो आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और दिखाइएगा। बाकी मैं इस वीडियो को यहाँ तक ही रखता हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को फॉलो कीजिएगा। मिलता है आपको इसी के नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।